राजा जी के सचिव, राजा जी के मंत्री। तो तुरंत सुमंत जी को राम जी देख चक्रवर्ती सम्राट देखते हुए कहते हैं, सुमंत देखो राम जा रहे हैं। अरे गई मूर्छा भूपति तब जागे और बोली सुमंत्र कहन अस लागे कि राम चले बन प्राण न जाही। अरे के ही सुख लागी रही तन माही। राम जी जा रहे हैं लेकिन देखो तो सुमंत्र मेरे प्राण नहीं जा रहे, जाने क्यों अभी तक मेरे शरीर के अंदर यह प्राण अभी भी जीवित है, प्राण अंदर समाहित है। अरे सुमंत्र कुछ ऐसा करो कि तुम ले जाओ राम को अपने साथ, तुम ले जाओ। देखिए सुमंत्र जी से चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं, सुमंत्र पुनि धर धीर कहई नर नाहू कि लय रथ संग सखा तुम जाओ। जाओ आप रथ लेकर के रथ पे चढ़ा के ले जाओ। तो सुमंत जी ने कहा, राजन आपसे एक निवेदन है, मैं अयोध्या धाम का मंत्री हूँ अवध क्षेत्र का, मैं कोई सारथी नहीं हूँ, सारथी ड्राइवर नहीं हूँ मैं कि मैं गाड़ी चलाऊँ मैं रथ चलाऊँ। सारथी सौ सौ खड़े हुए हैं उनसे कहिए राम जी को ले जाना हो तो। मैं तो मंत्री हूँ, मैं तो कोई मंत्र दे सकता हूँ, कोई सुझाव दे सकता हूँ, गाड़ी चलाना मेरा काम नहीं है। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा, सुमंत मैं जानता हूँ सुमन जी कि आप सारथी नहीं हैं, आप मेरे मंत्री हैं, और राम जी को यदि वन छोड़ना होता तो सैकड़ों हजारों की तादाद में मेरे पास रथ और सारथी हैं। राम जी को वन ले जाने वाले तो कई सारथी मेरे पास हैं, लेकिन राम जी को समझा बुझा के वन से वापस लाने वाला उनमें से एक भी सारथी नहीं है। उनमें से किसी के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि घुमा फिरा के वापस ले आए, वो बुद्धि केवल आपके पास है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप रथ चला के जाओ और किसी प्रकार राम जी को समझा बुझा के वापस ले आओ। ये किसी और में इतनी बुद्धि नहीं है कि सुठी सुकुमार कुमार दो और जनक सुता सुकुमारी। बड़े कोमल बालक है मेरे, बड़े सुकुमार बालक है, और उनसे ज़्यादा सुकुमारी तो वो जनक नंदिनी है, वैदेही है। अरे अभी अभी विवाह होके आया है, वो तो अपने ससुराल का सुख भी ठीक से नहीं भोग पाए। तो एक काम करना सुमंत, जाना घुमा फिरा के किसी प्रकार संकल्प में विकल्प करवा के, जैसा हम लोगों ने कल चर्चा किया, कुछ ऐसी बात बना देना, और बनाने के बाद रथ चढ़ाई दिखराई बन फिरऊं गए तीन चारी। तीन चार दिन घुमा फिरा के राम जी को बन में, और यह भी हो सकता है कि भाई जो सुकुमार हैं उनको तीन चार दिन वन में गए, साथ में पत्नी भी है तो कष्ट हो, और कष्ट हो तो आप उस समय कहना कि ठीक है महाराज अब वापस चलो, क्या है अब पिताजी भी नहीं चाहते, माता केकई को किसी प्रकार समझा दिया जाएगा और चलिए वन घूमना भी हो गया, वापस चलो, ऐसा कुछ समझा बुझा के ले आना। तो सुमंत जी महाराज ने कहा, एक बात बताइए गुरुदेव राजन, यदि राम जी नहीं आए तो मैं क्या करूँगा, राम जी नहीं माने तो कहा सुनो उसका भी उपाय बताता हूँ मैं कि जो नहीं फिरई धीर दो भाई सत्य संग दृढ़ व्रत रघुराई। क्योंकि वो तो सत्यवादी हैं राम जी, तो एक बार जो व्रत ले लें जो ठान लें उसे करके रहते हैं। तो एक काम करिएगा, अगर वो नहीं भी आना चाहें तो तुम विनय करहु कर जोरी कि फेरी ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। तो एक काम करना, जानकी जी को ही ले आना, केवल राम जी को मत लाना, अगर वो ना माने, लक्ष्मण जी भी ना माने तो जानकी जी को ले आना। तो कहा कि जानकी जी को कैसे लाऊंगा मैं, तो बोले उनको लाना आसान है। देखिए अरे भाई श्री राम ने लक्ष्मण जी ने तो विश्वामित्र जी महाराज के साथ फिर भी जंगल जंगल वो भटके हैं, यज्ञ की रक्षा करने के लिए वो राजमहल से दूर रहे हैं, लेकिन माता जानकी ने तो कभी कोई कष्ट ही नहीं सहा है। चक्रवर्ती सम्राट ने कहा जानकी जी को लाना बड़ा आसान होगा, उनके लिए फिर भी कहीं ना कहीं कुछ हमें अवसर मिल जाएगा। ये क्या कहा, ऐसा करना सुमंत कि जब आप उनको लेके जाना और जंगल जंगल भटकोगे
तो जंगल में कोई व्यवस्थित कमरे तो मिलते नहीं हैं और ना कोई सुरक्षा मिलती है। अरे जब जंगल में जाओगे तो कहीं बाघ चिल्लाएगा, जंगल में जाओ कहीं भालू दिख जाएगा, जंगल में जाओगे कहीं सर्प आदि दिख जाएंगे, और जैसे ही यह सब दिखेंगे तो माता जानकी भयभीत हो जाएंगी, वो तो कभी जंगल में इस प्रकार गई नहीं। उस समय का आप इंतजार करना, उस अवसर का बस, और जैसे ही वो थोड़ी सी भयभीत हो तैसे ही आप गरम लोहे पे हथौड़ा मार देना, अर्थात तैसे ही आप उनको और डराने लग जाना ज़्यादा कि अरे अरे देख रही हैं आप, और इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है, वापस चले चलिए, अभी भी मैं हूँ, हो सकता है वो वापस आ जाए। तो तुम विनय करे हु कर जोरी कि फेरी प्रभु मिथिलेश किशोरी, कब बोले जब सी कानन देखी टेराई, तो कहे मोरी सिख अवसर पाई, कि सास ससुर वस कहे संदेशो। देखिए चक्रवर्ती सम्राट अपने आप को कितना दीन मान रहे हैं। माता कौशल्या से पूरी बात हो गई है माता जानकी जी की, माता कौशल्या कह चुके हैं कि ठीक है आप जाइए, आप नहीं मान रहे हैं तो आप श्री राम के साथ जाइए, आज्ञा मिल चुकी है। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट कह रहे हैं कि सुनो मेरा नाम बाद में लेना, पहले कहना सासू माताओं ने भी कहा है, ये मेरी बात माने ना माने सासू माताओं ने कहा है, पहले उनका नाम लेना। सास ससुर अस कही संदेशु कि पुत्री फिरी बन बहुत कलेशु, बहुत झंझट है जंगल में, बड़े कष्ट हैं, और एक बात सुनो ये भी कह देना जानकी जी से कि हो सकता है कि अपने इन ससुर जी से वो बड़े दुखी हो, ससुराल वालों से वो बड़ी दुखी हो, इस वचन के कारण उनका ससुराल से कुछ मोह भंग हुआ हो, कुछ रुष्ट हो वो, तो कोई बात नहीं, अगर वो चाहें तो हमारे यहाँ रहे ना रहें अपने मायके भले चली जाए, वहाँ जाके भले रह जाए जब तक उनकी इच्छा करे, फिर जब इच्छा करे तब यहाँ आ जाए, जहाँ इच्छा करे वहाँ रह लें, किंतु वन में ना जाएं। उनको इस प्रकार वन में जाते हुए मुझे ठीक नहीं लग रहा कि पितु ग्रह कबहु कबहु ससुरारी, रहे हो जहाँ रुचि होई तुम्हारी, चाहे पिता के घर में रह लेना चाहे ससुराल में रह लेना, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रह लेना। यही विधि करे हो उपाय कदम्बा, और फिर तो हो ही प्राण अवलंबा, इस प्रकार से।